से सोचता हूँ कि बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पर। किस वजह से आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल पोजीशन पर हैं? क्योंकि जो कोर बीएसपी वोटर्स हैं, हम तो गांव गांव घूम कर आए हैं, वो तो यही कहते हैं कि हम जिनको हाथी को देते आए हम हाथी को ही देते आएंगे। दूसरी बात, जो बीएसपी के कैंडिडेट खड़े हैं माजिद अली, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, तो हो सकता है मुस्लिम वोट उधर भी शिफ्ट हो। और राघव लखनपाल है, भले अभी ये कहा जा रहा है कि राजपूत उनसे नाराज चल रहे हैं, लेकिन वो वोट शेयर में कितना फर्क पड़ेगा इसको भी कोई बहुत श्योरिटी से बोल नहीं रहा। नहीं नहीं देखिए, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, कुलदेवी की कसम खाकर कह रहे हैं कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। मेरे पास वीडियो है और एक दो आदमी नहीं कह रहे हैं, मतलब 50,000 आदमियों का मजमा कह रहा है। ननौता में और कल रैली हुई थी, क्योंकि उनको किसी से बैर नहीं है, उनको जो अपमान हुआ है यहाँ पे, राजपूत ने इस लड़ाई को स्वाभिमान की लड़ाई मान लिया है और राजपूत बड़े स्वाभिमानी होते भी हैं। अब उनके दिमाग में ये बात आ गई कि अपमान हुआ है, वहाँ गुजरात के अंदर एक कोई मंत्री रूपाला, उन्होंने पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने वो शेखावत साहब के साथ जिस तरह से गिरफ्तारी कराई, और गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी आपने कराई, लेकिन उनकी जिस तरह से आपने धक्का दे करके पगड़ी को नीचे करा दिया और उसे खींचते हुए ले गए, ये बहुत ही ख़राब है। और मतलब राजपूत समुदाय के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो गुस्सा वोट के अंदर 100% तब्दील होगा। मेरे कार्यक्रम जिस तरह से हो रहे हैं वो उससे मुझे महसूस होता है कि उच्छा का 100% हो रहा है। बसपा पर नहीं जाएगा आप, श्योर? हाँ नहीं नहीं नहीं, बसपा के पास तो दलित ही नहीं जा रहा है। देखिए आपको लग रहा है कि दलित जा रहा है, बसपा के पास तो दलित ही नहीं जा रहा है। पहले हमारी कभी दलितों में मीटिंग नहीं होती थी, अब सब दलित गाँव के अंदर तो मेरी मीटिंग हो रही है, सीधे मीटिंग हो रही है, सब लोग आ रहे हैं, बुला रहे हैं, काम कर रहे हैं। मतलब बसपा, पहले हमारे पास दलित कार्यकर्ता गिनती पर होते थे, अभी मुझे इतनी गाड़ियाँ नहीं मिल पा रही जितनी दलित वर्कर होंगे मेरे पास। एक आखिरी सवाल और, जब हम इमरान मसूद के बारे में गूगल करते हैं तो हर सुर्खी में एक बात का जिक्र जरूर मिलता है, ये वो नेता है जो मोदी की बोटी बोटी काटने की बात कर रहे थे 2014 के चुनाव में। आज इमरान मसूद नया नारा दे रहे हैं, वो नया नारा कौन सा है? मैं कह रहा हूँ रोटी रोटी। देखिए इस वक्त देश का नौजवान रोजगार से वंचित है, उस बयान से आप माफी? मैं तो माफी 50 बार मांग चुका हूँ, 1,00,000 बार मांग चुका हूँ। हमारे अंदर तो नैतिकता है, अगर हमने गलती की है माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन भाजपा के नेता जब गाली देते हैं ना, वो किसी से माफ़ी नहीं मांगते, उनमें ये नैतिकता नहीं है। और हम बात करना चाहते हैं रोजी रोटी की, आप व्यक्तिगत चीज़ों को अलग रख दीजिए, आप देश की बात करिए। देश का नौजवान परेशान, देश का किसान परेशान, देश की महिलाएं परेशान, देश का व्यापारी परेशान, कौन सा वर्ग ऐसा है जो परेशान नहीं है? कांग्रेस सबकी बात करती है, देश का मजदूर परेशान है, कांग्रेस सबकी बात करती है और कांग्रेस ने हमेशा सबको साथ लेकर चलने की बात की है। ये केवल नफरत की बात करना चाहते हैं और नफरत के ऊपर जहाँ हिंदू है मुसलमान होंगे वहाँ हिंदू मुसलमान भी करेंगे, जहाँ कोई और धर्म के लोग होंगे उनके साथ आपस में करेंगे, जहाँ ये दोनों नहीं चलेंगे वहाँ जातिवाद पे करेंगे, जहाँ जातिवाद नहीं चलेंगे वहाँ क्षेत्रवाद पे करेंगे। बहरहाल इनका काम नफरत फैलाना, और नफरत फैला करके कभी चला नहीं करते, मोहब्बत से ही सब कुछ चला करता है। अच्छा, जब हम यहाँ के लोकल लोगों से बात कर रहे थे वो इमरान मसूद के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि नेता तो ठीक है, लेकिन 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2022 का चुनाव, सारे चुनाव हार जाते हैं, मतलब उनके साथ कुछ तो बदनसीबी या कोई तो फैक्टर काम कर जाता है। अब्राहम लिंकन कितने चुनाव हारे थे? अब्राहम लिंकन कितने चुनाव हारे थे? लास्ट में जाकर चुनाव जीते थे। हारना और जीतना मायने नहीं रखता है, जब लड़ाई होगी तो एक हारेगा एक जीतेगा। चार चुनाव हार के भी मैं प्रासंगिकता मेरी बनी हुई है और मैं बिल्कुल उसी ऊर्जा के साथ बैठ करके लड़ रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं जिंदा हूँ, सियासी तौर पर मैं जिंदा हूँ, यही तो इम्पोर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें तो छोटी होती हैं। हार और जीत का कोई मायने नहीं है राजनीति। इस बार आप कांग्रेस में ही रहेंगे, चुनाव जीते चाहे हारेंगे, उसके बाद अभी भी संभावनाएं खुली हुई है अलग अलग पार्टियों की? देखिए बहुत गलती हो चुकी, वो गलती दोहराने की, उस गलती को ठीक करने में भी गलती, और नहीं गलती को ठीक करने में भी गलती, तो कुछ नहीं है, कांग्रेस सेल्फ कांग्रेस। किन मुद्दों के साथ आप सहारनपुर का चुनाव लड़ रहे हैं, इस सीट की क्या समस्याएं हैं, क्या काम करने वाले हैं अगर जीत गए तो? देखिए सबसे पहले तो यहाँ स्वास्थ्य की समस्या है, यहाँ पे अगर छोटी सी बीमारी हो जाती है तो हमें बाहर भागना पड़ता है। कहने को मेडिकल कॉलेज है यहाँ, लेकिन मेडिकल कॉलेज में ना इक्विपमेंट है ना डॉक्टर्स है, तो जब इक्विपमेंट और डॉक्टर नहीं है तो बिल्डिंग में तो इलाज होता नहीं है, तो सबसे पहला काम तो ये कराने का है। दूसरा, यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने वो संविधान का मुद्दा है। हमारी ये लड़ाई इमरान को जिताने की, इमरान को हराने की नहीं है, देश के अंदर संविधान को बचाने की है और देश के अंदर संविधान बचाने के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कांग्रेस ने भी वैसे इस बार अगर हम आंकड़े उठाकर देखें तो उतने मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दी जितने यूजुअली कांग्रेस सपा सभी देते आ रहे हैं। जो बात हम करते हैं देश में, हम जब संसद में मुसलमानों की संख्या देखते हैं तो वो कभी भी पैरिटी में नहीं दिखती। उस रिप्रेजेंटेशन पर आप क्या कहेंगे? अभी हालात ऐसे हो रहे हैं मुल्क के, इन्होंने नफरत ही इतनी फैला दी है, उस नफरत को काटने के लिए, नफरत से तो नहीं काटी जाएगी, उसका काट कांग्रेस के पास भी नहीं है, उसका काट मोहब्बत ही है। तो मोहब्बत से, हम तो मोहब्बत की बात कर रहे हैं ना, हम तो सिर्फ मोहब्बत की बात कर रहे हैं, नफरत को आप नफरत से नहीं काट सकते, नफरत को तो मोहब्बत से काट सकते। चलिए, तो इस बार आपका आकलन क्या कहता है? जैसे पिछले विधानसभा चुनाव से पहले मैं आपका इंटरव्यू देख रही थी, आपने क्लियर कह दिया था कि अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं करती है तो कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं रहने वाली, और हमने फिर वो नतीजों में भी देखा कि मात्र दो सीट आई। इस बार आपका आकलन क्या कह रहा है? देखिए, इस बार का आकलन मेरा अभी तक का जो लग रहा है, फर्स्ट फेज में भाजपा पूरी तरह से हारी, सारण, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, आपका ये जो इधर मेरठ, इवन बागपत, ये सारी सीटें हमारी बेल्ट की फंस गई हैं। ये नहीं कह सकते कि आप इनको दौड़ती हुई सीटें आ रही हैं, सब जगह फंसे हुए हैं। भाजपा के पास फंसे की बात रहती है, और मुझे लगता भी ये है कि मुझे नहीं पता, टीवी पे देखता रहता हूँ, बहुत सारे ज्योतिष बताते हैं कि ग्रह खराब कर गए, तो लगता है इस बार सारी राम की कृपा हमारे ऊपर बरस गई, ज्योतिषी और राम पर अब आप विश्वास करने लगे। मैंने कहा मैं टीवी देखता रहता हूँ तो पूछते हैं, तो इस बार दिखाई दे रहा है कि राम की सारी कृपा हमारे ऊपर बरस गई, राम जी इनसे नाराज है, चूँकि इनका जो नारा था वो बड़ा ही अहंकारी था, उन्होंने कहा था ना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अरे राम को लाने वाले तुम कौन हो गए? इंसान की कहाँ से औकात हो गई कि भगवान को लेकर आ जाएगा? भगवान तो देने वाला है, भगवान जिसको चाहेगा उसको देगा, भगवान को लाने वाला कौन हो सकता है? भगवान को कोई नहीं ला सकता, भगवान तो जहाँ मर्जी होगी खुद आएंगे, भगवान जिस पर कृपा करनी होगी उस पर कृपा करेंगे, किसी की सिफारिश से नहीं करेंगे, और भगवान सबके हैं, किसी एक के नहीं है, किसी एक विचारधारा से बदले हुए भगवान नहीं है। ये राम का देश है, राम के देश में जो रहने वाले यहाँ सब लोग हैं और सब राम के हैं, और राम की कृपा किस पर होगी राम तय करेंगे, कोई इंसान थोड़ी ना तय करेगा। तो ये जो इनका अहंकार है कि हम राम को लेकर आए हैं, ये इनका अहंकार इनको डुबाने का काम करेगा। भगवान राम जी इनसे नाराज रखते हैं, मुझे ऐसे हालात जो है जिस तरह से माहौल बना है लोगों के मन में, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि एकदम परिवर्तन आ रहा है, चाहे वो राजपूत हों, चाहे वो गुजर हों, चाहे वो सैनिक हों, कोई सी बिरादरी के लोग हों, जिस तरह से परिवर्तन आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार राम की कृपा सब हम पर बरस रही है। इमरान मसूद जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं सहारनपुर से, ये राम की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जब हम यही कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को देखते हैं तो ये राम के नाम पर बड़ी डामाडोल दिखती है। इनका स्टैंड क्लियर होता नहीं है, मंदिर जाएं ना जाएं, स्वागत करें इस बात का ना करें, अपना स्टैंड किस तरफ रखें? नहीं नहीं, बिल्कुल कांग्रेस का स्टैंड हमेशा क्लियर रहता है। देखिए, मैं आप राम के अस्तित्व को इनकार नहीं कर सकते, ये देश राम का है, ये देश राम का है, यहाँ राम के अस्तित्व को इनकार नहीं कर सकते। राम करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक है। राम को डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा इमाम हिंद, डॉक्टर अल्लामा